ठीक है, फोन करेंगे फिर। सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माई चैनल वंडरलस्ट अनुज। जन सबको सलाम नमस्ते जोहार, और क्या हाल चाल है। सो अभी मैं हूँ, देखो रामगढ़ में हूँ, ये जगह का नाम पोचरा है, और अपना जर्नी मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ आज। मेरे पीछे में बैठा हुआ है डेनिस भाई। अरे ये शीशा ऐसे उधर कैसे हो गया, नहीं दिख रहा है। सो देखो ऊपर जो आप लोग देख रहे हो ये है पहाड़, आप लोग को दिख रहा होगा। सो अभी हम लोग जा रहे हैं पतरातू घाटी की ओर, टुवर्ड्स पतरातू घाटी हम लोग जा रहे हैं। अभी सुबह के बज चुके हैं, 6:25 हो रहा है। प्लानिंग था 6 बजे निकलने का, पर 6:25 में फाइनली हम लोग निकल जा रहे हैं। तेल का पोजीशन अभी ठीक है, हाफ टंकी से थोड़ा सा कम है। अरे आज हम लोग जहाँ जा रहे हैं नेतरहाट 0.2 शुरू कर रहे हैं। लास्ट वीक भी मैं गया था नेतरहाट, लेकिन उस समय कुछ कवर नहीं कर पाया था, छूट गया था। तो फिर मैं दोबारा सोचा कि नहीं, कंप्लीट करके आना है। जो आप लोग अभी देख रहे हो ये लगातार आप लोग नेतरहाट का सीरीज आप लोग देख रहे हो, ये हो गया नदी तालाब, हो गया जोड़ा तालाब बड़का काना का। सो इन दिनों में मैं झारखंड को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। अगर आप लोग देख रहे हो 3-4-5 वीडियो से लगातार, तो झारखंड घूम रहे हैं, बहुत सुंदर हमारा झारखंड भी इन मानसून में। झारखंड को एक्सप्लोर करना तो मानसून परफेक्ट टाइम है। पिछले बार एक चीज़ ख़राब भी हुआ था मेरे साथ कि गोप्रो का काम ही नहीं कर रहा था, माइक अडेप्टर, ऐसे माइक वाइक सब कुछ सही था, कुछ तार वार में कहीं कुछ ढीला था। मतलब इस वाले अभी जब मैं जा रहा हूँ तो बार बार देखना पड़ेगा कि माइक वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, चेक करना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। बीच बीच में कभी कभी होता है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि राइड में, तो इसलिए मैं बेफिक्र था कि हाँ रिकॉर्ड हो रहा है वॉइस। पर चलो चलते हैं, काफ़ी मज़ा आने वाला। आज कितना पार्ट्स बनेगा ये भी नहीं पता, आप लोगों को नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि बहुत चीज़ है आज कवर करना। पहले तो हम लोग जा रहे हैं पतरातू घाटी। पतरातू घाटी का भी मैं स्पेशली कभी वीडियो नहीं बनाया हूँ, पर बनाना का बस पार करेंगे और देखते हैं, ड्रोन शॉट उड़ाएंगे वहाँ पर। 20 किलोमीटर है पतरातू घाटी मेरे घर से। इतना नज़दीक होते हुए भी कभी मैं पतरातू घाटी का वीडियो नहीं बनाया। मतलब वो बोलते हैं ना कि आप जो जगह में रहते हो ना, उसका वैल्यू आपको तब तक समझ में नहीं आता है। जैसे कि जो लद्दाख में रहता है, तो उन लोग के लिए लद्दाख क्या है, आम बात है, और हम लोग के लिए तो भाई जन्नत है। तो चलो भगाते हैं थोड़ा। सो ये सब जो पहाड़ आप लोग देख रहे हो इधर है मसमोना पहाड़। सो देखो ये पहाड़ बहुत अच्छा दिखता है, जब कभी भी मैं आता हूँ तो ये लोकेशन मुझे परफेक्ट दिखता है, और मैंने यहाँ का ड्रोन शॉट लिया है। तो आप लोग भी देखो कितना सुंदर ये पहाड़ दिखता है, ये मसमोना वाला ही पहाड़ है। तो देखो 3-2-1 या तो ये देखिए डैम का गेट है, इधर पानी निकलने का गेट है। इधर हम पहुंच गए हैं पतरातू डैम, पतरातू। यहाँ भी जब मैं आया हूँ अभी फर्स्ट टाइम, मुझे एक बात याद आ गई, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले, मतलब अभी तो हो गया होगा 20-25 दिन, रांची के जो राइडर थे वो लोग पानी का बहाव से बह गए थे डैम तरफ, बहुत लोग जानते होंगे। और क्या नाम था, डॉक्टर थे, देवाशीष नाम था, और उनकी मंगेतर थी इसने गाड़ी करके कुछ उनका नाम था। सो चलो उन लोग तो आप नहीं रहे, लेकिन प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे। मैं याद करता हूँ कि जब मैं स्टार्टिंग में जब YouTube चैनल स्टार्ट किया था, तो मैं उनका वीडियो देखता था उन लोग के पास। शुरू में कावासाकी निंजा था, 310 शायद 300 था, और उसके बाद फिर वो लोग लिए थे R3 लिए थे यामाहा, पर ख़राब लगा मुझे भी। सो देखो कभी कभी ऐसा हो जाता है लाइफ में, यहाँ से रांची 35 है, कभी मैं भी एडवेंचर किया हूँ ऐसा ऐसा, लेकिन देखो इतना एकदम जहाँ आपको लगे कि नहीं कुछ भी हो सकता है, देखो वो तो होने का नहीं, होने का तो कुछ भी कभी भी कुछ हो सकता है।
अब देखो अभी हम लोग जा रहे हैं, पत्थर ऊपर से गिर जाएगा कि या गाड़ी हम लोग को मार देगा, तो हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। जिस दिन लिखा हुआ उस दिन चल जाएंगे, बस ये मैं इतना ये जानता हूँ। फिर भी अगर अपने आप को थोड़ा सेफ करके चलना चाहिए, लेकिन जैसे कि हम लोग राइडिंग पैंट जैकेट पहनते हैं, सब चीज़ गेयर्स हेलमेट लगाते हैं, कुछ हम लोग को इसमें से इसलिए पहनते हैं क्योंकि कुछ भी हो तो कम से कम कुछ तो सेव हो, बच जाए हम लोग। ये पतरातू डैम दिख रहा है आप लोगों को। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पतरातू डैम में एक बीच में टापू है, तो ऊपर एक घाटी है, पतरातू घाटी, ऊपर से जीप लाइन या फिर जीप लाइन शुरू कर देगा ना तो बहुत अच्छा लगेगा। सो थोड़ा सा इन्वेस्ट करके जो केबल कार होता है, अगर वो ऊपर वाला पहाड़ जो वहाँ से अगर पतरातू जो डैम है उसके बीच में कर दे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो अब बैक टू माय टॉपिक में आता हूँ। तो मैं बात कर रहा था, फिर भी हम लोग प्रोटेक्शन लेके चलते हैं, गेयर्स लगा के चलते हैं। लास्ट वाला वीडियो आप लोग देखे होंगे जब हम लोग सुरकाई वाटरफॉल गए थे, वहाँ भी देखो अचानक बारिश आ गई, उस दिन भी हम लोग के साथ कुछ भी हो सकता था, लेकिन हम लोग ने देखा कि यहाँ से निकलना ही भला है क्योंकि बारिश लेवल पानी का बहुत बढ़ रहा था, आप लोग देखे होंगे बहुत, और उसके बाद बिजली भी चमक रहा था, तो डर के मारे तो हालत अपने ख़राब था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है क्योंकि बिजली गिरते रहता है पेड़ वेड़ में, तो डर तो लग रहा था काफ़ी। तो इसलिए थोड़ा अपना सेफ्टी लेके चलो, यही बोलना चाहते हैं, बल्कि जब जो लिखा है हो जाएगा। बाकी नज़ारे देखो औसम है, झारखंड के छोटे छोटे पठार। सो यहीं से एक रास्ता जाता है उधर जो नीचे तरफ जाता है, आई थिंक हाँ, तो शायद हमको लगता है कि जो वो लोग आए थे तो इधर ही कहीं नीचे में थे, इधर कहीं हमको लगता है इस साइड, यही पानी इधर पहाड़ से आता है, वो लोग इधर ही गया था ना शायद, हाँ इधर ही गया था, इधर ही एक पुल है, हाँ ऊपर से उड़ाएंगे, तो अचानक से पानी का लेवल उस, हाँ हाँ अचानक से पानी का लेवल उस समय भी बढ़ गया था, फ्लड आ गया था, भागने का मौका भी नहीं मिला। कभी ऐसा यहाँ पर लोकल लोगों ने कभी नहीं बोला कि कभी ऐसा होता है यहाँ पर, ये नदी का पानी इतना ज़्यादा बढ़ता है, पर उस दिन पता नहीं क्या था। चलो फिर भी रेस्ट इन पीस भाई बहन लोग। सो हम देखो यहाँ से हम पतरातू घाटी चढ़ना शुरू कर लिए हैं। वाओ क्या ब्यूटी है भाई, अच्छे दिख रहे नज़ारे। तो वो इस घाटी में कितना हेयर पिंस बैंड है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने अंदाज से बता सकता हूँ, गिनने का तो मैं गिन सकता था लेकिन मुझे याद अभी आया, पर 7-8 हेयर पिंस तो होंगे। जैसे मैं जब मैं हम लोग लद्दाख जाते हैं मनाली वाले रास्ते से, तो घाटा लूप्स आता है, 21 हेयर पिंस है। अभी भी मैं आदि क्लास गया था तो उधर भी 37 हेयर पिंस था, बुद्धि के बाद जो आता है, लेकिन इसमें नहीं पता, लेकिन 6-7-8 तो होंगे हेयर पिंस बैंड। वाओ, और हम लोग अगर ऊपर चढ़ जाएंगे तो ऊपर से पतरातू जो डैम है वो भी दिखता है।